जिंदगी को इजी बनाने के बेहतरीन टिप्स के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल जिंदगी इजी, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिंदगी इजी में, जहां आपको मिलता है जिंदगी जीने के आसान टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपसे बात करने वाली हूँ फीमेल हाइजीन के बारे में। और इस कड़ी में आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ मैं, वो ये रहा क्लीन एंड ड्राई का इंटीमेट पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल पाउडर नहीं है, ये इंटीमेट पाउडर है। ये पाउडर स्पेशली हमारे प्राइवेट पार्ट को ड्राई रखने के लिए बनाया गया है, और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा प्राइवेट पार्ट जो होता है वो अक्सर जो है ढके होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रैशेज आ जाते हैं, वहाँ पे गीलापन रह जाता है, वो जगह सूख नहीं पाती है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है वहाँ पे। तो इस वजह से इस पाउडर को जो है डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में आज मैं बात करूँगी आपसे, और इस प्रोडक्ट का साथ में रिव्यू भी करने वाली हूँ। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। ये पाउडर जो है ये आपको देखने से बिल्कुल क्लीन एंड ड्राई वॉश की तरह लग रहा होगा, बट यहाँ पे आपको डेली इंटीमेट पाउडर अगर आपको दिख रहा हो, आप देख सकते हो यहाँ पे डेली इंटीमेट पाउडर करके यहाँ पे मेंशन है। अगर आपको परचेस करना हो तो दोनों की पैकेजिंग बिल्कुल सेम है, आप कंफ्यूज मत करिएगा। आप यहाँ पे पाउडर मेंशन किया हुआ है वो पढ़ के लीजिएगा, और अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर परचेस कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ ये 50 ग्राम की जो ये पैकेजिंग है, ये 50 ग्राम इसके अंदर पाउडर है, और 50 ग्राम की जो प्राइस है फ्रेंड्स वो है सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज़ फ्रेंड्स, यानी कि 60 रुपीज़ के अराउंड जो है इसकी प्राइस है। और ये काफ़ी ज़्यादा आपको इतना पाउडर आपको इसमें मिल जाता है, मेडिकेटेड पाउडर है ये, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये पाउडर बिल्कुल आम पाउडर की तरह है, ऐसा नहीं है इसमें से कुछ अलग सा निकलने वाला है। ये देखिए, बिल्कुल नॉर्मल पाउडर की तरह है ये पाउडर। अपने इंटीमेट एरिया पे अप्लाई करोगे तो आपको एक अजीब सा एक वार्म फील देगा। तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें पाउडर की ज़रूरत क्या है? पाउडर की ज़रूरत हमें अपने डे टू डे लाइफ में कब पड़ती है, ज़रा सोचिए। जब हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऑयली होती है जो स्किन हमारी, जहाँ पे ग्रीजीनेस होती है, जो स्किन ड्राई नहीं हो पाती है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो घमौड़ियाँ निकल जाती है, उस सिचुएशन में, उस केस में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले पाउडर परचेस करते हैं। कोई भी पाउडर हम अप्लाई कर लेते हैं, हम वहाँ वो जगह ड्राई हो जाती है, और जो रैशेज और इचीनेस होती है वो नहीं होती है वहाँ। और अगर हम मेडिकेटेड पाउडर जैसे नाइसिल वगैरह लगाते हैं तो उससे हमारी जो फोड़े फुंसी जो निकलते हैं वो भी मिनिमाइज होते हैं धीरे धीरे। नॉर्मल पाउडर भी लगा सकते हैं, उससे हमारा जो स्किन है वो ड्राई रहेगा। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है पाउडर को अप्लाई करने का, वो ये है कि जहाँ पे आपकी स्किन ऑयली है वहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो वो जगह जो है ड्राई हो जाती है, और जहाँ भी आपकी स्किन ड्राई नहीं हो पाती, आपकी स्किन पे हवा नहीं लग पाती जिस प्रोपोर्शन पे, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे अगर आप पाउडर का एप्लीकेशन करते हैं तो वो जगह भी ड्राई हो जाती है, और ड्राई एरिया में इन्फेक्शन होने का जो खतरा है, जो बैक्टीरिया जो पनपते हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो बैक्टीरिया नहीं पनप पाते और हमें किसी तरीके का इन्फेक्शन या फोड़े फुंसी जो है वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि गीला एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम करता है, और उसी की वजह से इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया पनपता है और फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा हमारे साथ हर जगह पे होता है, कहीं भी घर में या फिर हमारे कहीं भी इन्वायरमेंट में, कहीं पे भी अगर कुछ मॉइस्चर है, जैसे कि आप देखोगे बरसात के दिन में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होते हैं, क्यों? उसका रीज़न साफ है कि अगर आपके इन्वायरमेंट में नमी रहेगी, मॉइस्चर रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी, तो उसमें इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया वायरसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली ग्रोथ करते हैं, उस वजह से जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा प्राइवेट पार्ट जो होता है वो ढका रहता है हमें, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेटिंग भी होती है, तो भी हम उसे साफ करते हैं फिर स्वेटिंग हो जाती है, और वहाँ से जो कुछ लिक्विड फॉर्म में जो कुछ निकलता है प्राइवेट पार्ट से, उसकी वजह से भी वो गीला रह जाता है, प्लस वो ऑल टाइम ढका रहता है, उसमें कोई किसी भी तरीके का जो है एयर नहीं जा पाता, जिस वजह से वहाँ पर हमेशा मॉइस्चर रहता है और हमें
फोड़े फुंसियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ इन्फेक्शन होती है जिससे हमें इचीनेस होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, टॉयलेट में जलन होने का खतरा है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं वहां पर क्योंकि वो जगह ड्राई नहीं रह पाता है। गर्मी है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है हमारा प्राइवेट पार्ट वाला जो एरिया है वही अफेक्टेड होता है, वहां पे रैशेज आ जाते हैं और बहुत पेनफुल होता है वो रैशेज। तो उन सबका एक ही सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, ये क्लीन एंड ड्राई इंटीमेट पाउडर। क्लीन एंड ड्राई ने अपनी तरफ से ये जो इंटीमेट पाउडर की रेंज निकाली है, अगर आप इसे अप्लाई करती हैं डेली बेसिस पे तो आपका वेजाइना, आपका प्राइवेट पार्ट हमेशा ड्राई रहेगा और वहाँ पे जो इन्फेक्शन जो स्प्रेड आउट होता है, जो भी वहाँ पे बैक्टीरिया बनते हैं, उसके चांसेस जो है बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको ये पाउडर हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, गर्मी के दिनों में आप बार बार इसे अप्लाई कर सकती हैं। और अगर आपका पीरियड आया हुआ है तो उस टाइम पे हमारा वजाइना कुछ ज़्यादा ही जो है वेट रहता है, तो उस टाइम पे ये पाउडर ज़रूर अप्लाई करें फ्रेंड्स। उससे क्या होगा कि हमारा वजाइना बिल्कुल ड्राई रहेगा और इन्फेक्शन नहीं होगी। फ्रेंड्स ये कहता है कि जो हमारे वजाइना में जो वेजिनल डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से जो हमारा वजाइना वेट रह जाता है उसे ये जो है हटाता है, ड्राई करता है उस वेटनेस को। और जो हमारे वजाइना से जो गंदी सी स्मेल आती है, जो ऑडोर आता है, उसको भी रिड्यूस करता है ये बहुत हद तक। फिर ये वेजिनल ईचिंग से हमें बचाता है, बर्निंग से बचाता है यानी कि जलन से बचाता है, सैनिटरी पैड की वजह से जो रैशेज आ जाते हैं यानी कि पीरियड के टाइम में जैसा मैंने आपको बताया उससे ये आपको जो है रैशेज होने से प्रोटेक्ट करता है। अनगिनत यूज़ हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे यूज़ हैं। आप जब इसे लगाओगे तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अगर आपको रैशेज हो गए हैं फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि क्या करें, हम कौन सा पाउडर लगाएं, बिकॉज नॉर्मल पाउडर हम लगा नहीं सकते वहाँ पे, तो हम मेडिकेटेड पाउडर ही लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है बिकॉज ये मेडिकेटेड है, FDA अप्रूव्ड है और हम पूरी तरह से इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और इसे अपने प्राइवेट पार्ट पे, अपने वेजाइनल एरिया पे इसे स्प्रेड कर सकते हैं, लगा सकते हैं और हम अपने वेजाइना को, प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल ड्राई रख सकते हैं। और रैशेज अगर हो रही हैं आपको तो आप इसे अप्लाई करके देखें, आपको तुरंत रिलीफ भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं तो इसे यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, बट डेली बेसिस पे मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं होती डेली बेसिस पे इसे यूज़ करने की। बट हाँ, जब भी मेरे पीरियड्स होते हैं तब मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ। और ऐसे जब मुझे कभी भी ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो मैं इसे जो है स्प्रिंकल कर लेती हूँ, बट मुझे हमेशा इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है तो आप इसे हमेशा यूज़ कर सकती हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसे नॉर्मल पाउडर की तरह आप अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लें, आफ्टर दैट अपने हैंड पे लेकर आप इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हैं, नहीं तो कोई अच्छा सा पाउडर पफ खरीद लें, उस पर डाल लें और उससे अप्लाई कर लें। अदरवाइज आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्टली भी आप स्प्रिंकल कर सकती हैं, उतना ज़्यादा इसमें से नहीं आता है, बहुत छोटा सा जो है होल दिया हुआ है, आप इस पर इसे डायरेक्टली स्प्रिंकल कर लें तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा नहीं गिरेगा। और अगर ज़्यादा गिर भी जाता है तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको आप इवनली इधर उधर स्प्रेड कर लें तो उससे फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसे परचेस करना है ऑनलाइन तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर आप परचेस कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट है क्लीन एंड ड्राई की तरफ से, ये इंटीमेट जो केयर रेंज है इनका, उसका ये प्रोडक्ट है। इस रेंज में इन्होंने वॉश निकाला है, पाउडर निकाला है और क्रीम निकाला है। मैंने तीनों यूज़ किया है फ्रेंड्स, मैं वॉश का रिव्यू अपने चैनल पे पहले कर चुकी हूँ, ये पाउडर का रिव्यू है और जल्दी ही अगर आपको क्रीम का रिव्यू चाहिए तो वो भी मैं अपने चैनल पे करूँगी, उसके लिए आपको कमेंट में मेंशन करना होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें मुझे और फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। कोई भी सवाल हो आपको इससे रिलेटेड, कोई भी सवाल हो, क्योंकि मैं इसे काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही ढेर सारे प्रोडक्ट का रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल जिंदगी इजी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपके लिए ढेर सारी वीडियो लाती रहूँगी और मेरे इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हैं भी, फीमेल हाइजीन से रिलेटेड हो या फिर मेकअप से रिलेटेड हो या फिर किसी ऐसे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जो है चैनल के वो देख सकते हैं आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।